उमात्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहे पूजाते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत्यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलं शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र जुलाई के अंतिम भाग में क्या कुछ योग आपके लिए बनाने वाले हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों की यदि हम बात करें तो उनके ग्रहों के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना बड़ा विशेष रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए जो परिवर्तन का योग है और उस परिवर्तन के हिसाब से कई सारी उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं, और लेकिन यदि पॉजिटिव एटीट्यूड लेके काम करोगे तो उस परिवर्तन से आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुँच सकता है, ये हमें अवश्य दिखाई देता है। कई बार स्थितियाँ परिवर्तित होती हैं और व्यक्ति को लगता है कि ये स्थिति अच्छी नहीं हुई, लेकिन जब बाद में हम देखते हैं चीज़ों को तो परिवर्तन समझ में आता है कि ये जो परिवर्तन था वो हमारे लिए कहीं ना कहीं शुभ था। इसीलिए हमें परिस्थिति पर ग्रह योगों पर विश्वास रखते हुए समझते हुए चीज़ों को काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो वृषभ राशि वालों, जुलाई के अंतिम भाग में कुछ ग्रहों का परिवर्तन जो होने जा रहा है, कई प्रकार के शुभ योग बनने जा रहे हैं, ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस समय में आप देखें जुलाई के अंदर बृहस्पति महाराज आपके लिए बड़े शुभ होकर लग्न में मंगल के साथ स्थित होकर बैठे हैं, और साथ साथ शनि महाराज वक्र स्थिति में आपके दशम भाव में चल रहे हैं। ये हो सकता है कि थोड़े दिन आपको लगे कि वक्री होने की स्थिति में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन में, सम्मान में, पद में डेटोरेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं है। यदि इसका कहीं ना कहीं अगर इम्पैक्ट आप पॉजिटिव एटीट्यूड में लोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से परिवर्तन आपके लिए शुभ होने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। पराक्रम का समय है, सही दिशा में कार्य करने का समय है, ये आप समझ लें। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्र इस समय में बड़े सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समझें कि सावन शुरू होने वाला है, और सावन में समस्त संसार की सत्ता कहा जाता है भगवान शिव के हाथ में होती है। शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें, शिव के प्रसन्न होते ही समस्त आशीर्वाद भी मिलेंगे और कल्याण के योग भी बनेंगे। ये सावन का महीना जो शुरू होने जा रहा है बहुत विशेष रहेगा। इस बार सावन का महीना सोमवार से शुरू होकर सोमवार तक चलेगा, और साथ साथ श्रवण नक्षत्र से ही सावन का आरंभ हो रहा है, श्रवण नक्षत्र पर ही सावन का अंत भी हो रहा है। तो ओवरऑल हम समझें कि ये समय बहुत शुभ आपके लिए जा सकता है, उसके लिए प्रार्थना का सुंदर रास्ता आपको अपनाना चाहिए। समझें सिलसिलेवार तरीके से ग्रह नक्षत्रों का योग क्या है। तो 21 जुलाई को यदि हम बात करें तो उस दिन पूर्णिमा की तिथि है, गुरु पूर्णिमा का अवसर है, रविवार का अवसर है, और चंद्रमा परिवर्तित होकर मकर राशि में जो योग बना रहे हैं वो बृहस्पति के साथ सुंदर संबंध स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके जीवन में कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। धर्मयुक्त कार्य आप करते दिखाई देंगे, धर्मयुक्त रहें, गुरु का सान्निध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। गुरु पूर्णिमा का अवसर है, शास्त्र में कहा गया है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में हम ऐसा समझें कि इस संसार भवसागर को पार करने के लिए गुरु का सानिध्य बहुत ज़रूरी है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा में गुरु का आदेश, गुरु का सानिध्य, गुरु का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। यह आषाढ़ मास का की जो पूर्णिमा है, अपने संपूर्ण समर्पण को सद्गुरु के निमित्त अर्पित करने का दिन माना जाता है, तो हमें इस स्थिति को समझना चाहिए। और आश्रम पर भी बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, सद्गुरु आचार्य श्री किशन देव जी महाराज के सुंदर मंत्रों का अभिवत करने के लिए, उनके सानिध्य को प्राप्त करने का, तो इसलिए विवेकानंद आश्रम में भी कार्यक्रम रहेगा, जो सुबह रहेगा कार्यक्रम करीब करीब 8 बजे से यज्ञ के साथ कार्यक्रम होगा, गुरु पूजन के साथ चलेगा, और फिर उसमें दीक्षाएँ इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम भी रहेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको फ़ोन से मिल सकती है। 22 जुलाई को सावन का महीना आरंभ हो रहा है, इस वक्त सावन के महीने की प्रतिपदा तिथि है, सोमवार का सुंदर अवसर है, श्रवण नक्षत्र विद्यमान है। जैसा हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया था, अब से लेकर पूरे 5 सोमवार का सुंदर योग इस सावन महीने में पड़ने वाला है, और श्रवण नक्षत्र का ही पूरा अंत, आरंभ और अंत रहने वाला है। सोमवार से आरंभ और अंत का योग बन रहा है, तो ऐसे में सुंदर तरीके से भगवान शिव की आराधना करने का योग है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देते हैं। यदि हम 22 जुलाई की बात करें तो क्योंकि बृहस्पति के साथ पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पर पड़ रहे, चंद्रमा भाग्य में विराजमान है, और कहीं ना कहीं देव कृपा से सद्भावना रखते हुए, सद्धर्म करते हुए, धर्म कार्य करने से कहीं ना कहीं मनोकामना सिद्धि का योग बन सकता है। अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शिव का सुंदर अभिषेक दूध के द्वारा करने का प्रयास करें, इत्र से करने का प्रयास करें, सुगंधित द्रव्य से करने का प्रयास करें। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। आश्रम पर भी हर रोज पूरे 30 दिन के लिए सुंदर रुद्राभिषेक का सामूहिक कार्यक्रम रखा गया है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 23 जुलाई
का अवसर समझ लीजिए। 23 बात करें 23 जुलाई की, द्वितीया तिथि है उस दिन, मंगलवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, चंद्रमा शनि के साथ जाके विराजमान हो जाएंगे सुबह 9:23 पर। यह आपके लिए एकाग्रचित्त भाव से कार्यों को करने की आवश्यकता है और आपके कर्म का फल पूरी तरह से आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे, इसलिए पूरी मेहनत की आवश्यकता है। जितनी मेहनत उतना फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। पंचक इस दिन से आरंभ हो रहे हैं, 27 तक पंचक चलेंगे और पंचक में कुछ कार्य निषेध कहे गए हैं। बहुत सारे लोग पता नहीं कौन कौन से कार्यों को निषेध कर लेते हैं, लेकिन यहाँ केवल 5 कार्य निषेध। एक तो दाग कर्म इत्यादि बड़े सोच समझ के करने चाहिए, उसकी जो विधि है उसका पालन करना चाहिए। एकत्रीकरण, छत ना डालना, ये सब चीज़ निषेध शास्त्र में बताई गई हैं। तृण का एकत्रीकरण, वो सब लकड़ी का एकत्रीकरण, ये सब चीज़ें निषेध कही गई हैं। बाकी सब चीज़ें कार्य करने में कोई मना नहीं है, गाड़ी खरीदने में कोई मना नहीं है। बहुत सारे लोग तो इसमें भी अनेक प्रकार से विडंबना उत्पन्न कर देते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें केवल 5 कर्मों के लिए शास्त्र में निषेध है, उन पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह बड़े उस अनुकूल दिखाई देते हैं, थोड़ा मंगल को ताकत देने का प्रयास करें, क्योंकि इस वक्त मंगल की जो ग्रह गोचर चल रही है वो थोड़ी सी बृहस्पति से पीछे चल रही है, और बृहस्पति से पीछे चलता जो मंगल है वो उपद्रवकारी योग पर आता है, और जैसे ही ये मंगल की जो गतियां हैं वो मंगल बृहस्पति से आगे हो जाएंगी, देखिएगा मन और शांत होने की तरफ जाएगा, और जितने भी थोड़े से उठापटक के योग बन रहे हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं, ये ग्रह दृष्टिकोण से दिखाई देता है। तो मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का जप करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 24 जुलाई तृतीया तिथि है, बुधवार का अवसर है और इस दिन चतुर्थी क्षय है, तो नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, इस बात का ध्यान रखें। मुहूर्त के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, और बुधवार को अभिजीत मुहूर्त भी नहीं है। ग्रह दृष्टिकोण से कार्यों के लिए आपके लिए पॉजिटिव रहेगा कार्य, बस एक बात का ध्यान रखें कि अब अपने कार्यों को पूरी तरह से तटस्थ होकर करने का प्रयास करें। आपके जीवन साथ जो शादीशुदा लोग हैं उनके जीवन साथी का सपोर्ट उनको यदि मिल जाए तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं, और आपके नए संपर्क बनने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना। श्री गणेश की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 25 जुलाई और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पंचमी तिथि है उस दिन, और बृहस्पतिवार का अवसर है, परिवर्तन का योग, मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे करीब करीब 11:45 के आसपास, और ग्रह योग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये योग आपके लिए राहु के साथ चंद्रमा की युति होकर एकादश भाव में दिखाई दे रहा है। संत महात्माओं की सेवा करने का सुंदर अवसर मिले तो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। ग्रह दृष्टिकोण से ग्रह दिखाई दे रहे हैं कि थोड़े से खर्चे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे, थोड़े से अननेसेसरी के खर्चे आपके जमे, लेकिन कहीं ना कहीं लाभ का ग्राफ ही ऊपर होता दिखाई दे रहा है, यानी नुकसान कम होगा लाभ ज़्यादा होने के योग बनते दिखाई देंगे। पर शांत होकर अपने काम में लिप्त हुए, अननेसेसरी के झगड़ों में न फंसे, इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। संत महात्माओं की सेवा करें, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितना बस आए और उनकी दक्षिणा, उनके पीछे बहुत ज़्यादा लगने की ज़रूरत नहीं है, जो संत अपनी सेवा बन सकती है वो अवश्य करने का प्रयास करेंगे, पीली चीज़ों का दान करेंगे तो शुभ रहेगा। 26 जुलाई का अवसर, षष्ठी तिथि, उस दिन विराजमान है, शुक्रवार का योग है, और उस दिन गणमूल नक्षत्र रेवती रहेगा और पंचक समाप्त होने के योग बनेंगे, लेकिन रेवती गणमूल है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 26, 27, 28 रेवती और अश्विनी नक्षत्र का योग इन दो तिथियों में रहेगा मध्याह्न के बाद से लेकर, तो ध्यान रखना है कि यही कोई जातक नया जन्म ले रहा है तो उसकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। ये मूल शांति जब तक नहीं होती है तब तक बेकार की विपदाएं संसार में परेशान करने के योग बनाती रहती हैं, और यदि बाल्यकाल में नहीं हुआ है तो बाद में भी करा सकते हैं, 27 दिन की ये पूजा है, लेकिन बिल्कुल प्रभाव उत्पन्न करने के योग देती है तो अवश्य इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय दिखाई दे रहा है वो अनुकूल रहेगा बहुत मामलों में, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, अननेसेसरी के लोगों से भिड़ंत में ना फंसें तो अच्छा रहेगा। 27 तारीख का ग्रह सप्तमी तिथि शनिवार का अवसर, मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा और इस दिन दोपहर को करीब करीब 10:23 तक प्रातःकाल में भद्रा का योग है, तो तब तक नए कार्यों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, शनिवार का अवसर है, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन दिखाता है कि अननेसेसरी के शत्रु परेशान करने के योग बना सकते हैं। हो सके तो तेल के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। देखिए जीवन में विचित्र प्रकार की समस्याएं आती हैं समय समय पर, और उन सब के निदान के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं, और शास्त्रों के उपायों को कई बार लोग भ्रांति के तौर पर ले लेते हैं। जहाँ शास्त्र में उपाय बताए जाते हैं, जैसे तेलाभिषेक शास्त्र में बताया गया है, वर्णन किया गया है, तो उसमें ये कहा गया है कि शत्रु मर्दन के लिए इस
प्रयोग को करने से कहीं ना कहीं देव कृपा से प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अब लोग कई बार इसको ऐसा ले लेते हैं कि भगवान शंकर की पूजा से कैसे हम किसी का, देखिए सब ग्रह योग का प्रभाव है। आप उस समय में अपने अंदर उस पॉजिटिव एटीट्यूड को प्राप्त कर सकते हैं, सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं, करना आपको ही यह समस्त कार्य है। लेकिन सही दिशा हमें सही जगह नहीं मिलती है, और सही प्रार्थना से वो सही दिशा विचार मन में उत्पन्न हो जाता है। यही भाव हमको जगाना है, कार्य करने वाले भी आप और कार्य ना करने वाले भी आप, और हमें प्रार्थना परमात्मा की कृपा से वो सही दिशा प्राप्त हो जाती है और चलना हमको ही पड़ेगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखने का प्रयास करें। कई लोग भ्रांति के तौर पर इस विडंबना में फंस जाते हैं कि परमात्मा स्वयं, उसके लिए बहुत भक्ति चाहिए, आते हैं परमात्मा। मैं ये नहीं कहूँगा कि परमात्मा निकल के कभी नहीं आते हैं। इस संसार में अनेक विभिन्न कथाएँ हुई हैं, सूरदास की लाठी पकड़कर भगवान स्वयं चलते थे, वो भक्त की पराकाष्ठा है। भक्ति की पराकाष्ठा है कि आप इतने अन्य श्रद्धा से कहाँ भगवान के प्रति समर्पित हैं। यदि वो समर्पित हो जाएं तो बिल्कुल वो भी हो सकता है। तो इस उपायों को नेगेटिव एस्पेक्ट में ना लेने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हास्य प्रयास में इन उपायों को जब बताया जाता है तो उसको लेने का प्रयास करते हैं। ये आपकी श्रद्धा का समर्पण है। श्रद्धा का समर्पण जब करेंगे ना तो देखिएगा वो परमात्मा का रास्ता भी, वो विचार का रास्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगा। 28 जुलाई के दिन रविवार का अवसर, कालाष्टमी है। कालाष्टमी बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, और सावन के महीने में कालाष्टमी जब कृष्ण पक्ष में आती है तो वो शिव से संबंध रखती है। कहा जाता है कि भगवान शिव का प्रादुर्भाव भी शिवलिंग के रूप में कालाष्टमी के दिन ही हुआ था। तो उस दिन विशेष तौर पर भगवान का रुद्राभिषेक, शिव का पूजन अद्भुत रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। समस्त कष्टों का निवारण होने के योग बनते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़े से ग्रह भारी दिखाई देते हैं। चंद्रमा द्वादशी भाव में चल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अननेसेसरी खर्चे कराने के योग बना रहे हैं। थोड़ा सा मन को बेचैन करते दिखाई दे रहे हैं और सही दिशा पे मन कार्य करने में थोड़ा दिक्कत कर सकता है। तो ऐसे में ओम नमः शिवाय का जप, शिव का ध्यान, शिव का अभिषेक दूध से करने का प्रयास करें, आपके लिए सही दिशा प्राप्त होने का रास्ता बनेगा। 29 जुलाई का दिन नवमी तिथि है, सोमवार का अवसर है, सावन का दूसरा सोमवार का सुंदर योग है, और चंद्रमा इस दिन वृषभ राशि में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं करीब करीब शाम को 4:45 बजे के आसपास। ये बहुत सुंदर योग रहेगा। ऐसे में सोमवार का प्रभु की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर होता है। सोमवार का दिन शिव का दिन, तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का आराधना करने का प्रयास करें। ये जो चंद्रमा का परिवर्तन है बृहस्पति के साथ योग बनने जा रहा है, ये 2-3 दिन के लिए आपके लिए सब मामलों में अच्छा रहेगा। नई एनर्जी जरेगा, चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, बृहस्पति के साथ बैठ जाएंगे, तो इससे सुंदर योग कौन सा हो सकता है। यदि जन्मपत्री में योग बनाओ तो कहा जाता है गजकेसरी योग विद्यमान हो गया है, गोचर में वही योग आपके लिए सुंदर बन के तैयार है, और यह आपको कई नई शक्ति को देने वाला रहेगा, सही दिशा में काम करने वाला रहेगा, विचार अच्छे पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव विचार के साथ यदि सारे काम करने का प्रयास करेंगे तो सोमवार के दिन से सुंदर योग बन रहा है, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। बड़ी श्रद्धा के साथ कार्य करने का प्रयास करें, शिव का ध्यान करें, सबसे अच्छा रहेगा रुद्राभिषेक अपने नाम से कराएं, मनोकामना सिद्धि के लिए हो सके तो इच्छु रस से भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें, बड़ा सुंदर आशीर्वाद भगवान का मिलेगा। और भोलेनाथ तो एक छोटे से कर्म से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे शिवरात्रि, इन पूरे सावन के अवसर पर 30 दिन का बड़ा अनुष्ठान रखा है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम को आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर संपर्क करके अपने स्थान को आरक्षित कराएंगे तो, और सुंदर अभिषेक में भाग लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 30 जुलाई का अवसर मंगलवार, दशमी तिथि, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह अनुकूल योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए केवल मन विचार को दृढ़ रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अभी भी मंगल बृहस्पति से थोड़े पीछे चल रहे हैं तो उसको और थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है, तो मंगल को शांत करने के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी का पाठ करें, तो आपके जो थोड़े बहुत ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हैं वो भी आपको हिम्मत देने का प्रयास करेंगे। 31 जुलाई का अवसर एकादशी, कामदा एकादशी का योग, बुधवार के दिन एकादशी पड़ रही है, बहुत शुभ है। बुधवार का दिन भगवान विष्णु का ही दिन माना जाता है, और सबसे सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण की उपासना कामदा एकादशी के दिन बड़ी श्रद्धा के साथ की जाए, तो ऐसे में भगवान विष्णु शेष शय्या पर विश्राम के लिए गए होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आषाढ़ की एकादशी से योग बनता है तो 4 महीने चलता है, तो ऐसे में संपूर्ण रूप से भगवान का पूजन करना, तुलसी दल भगवान को अर्पित करना, भगवान का शैया परिवर्तन करना, ये सब कार्य कर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका चरणोदक प्राप्त कर सकते हैं, और उनका चरणोदक प्राप्त करने से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। ग्रह आपके अनुकूल हैं, बृहस्पति का चंद्रमा के साथ सुंदर संबंध बना हुआ है, और ये आपके लिए पॉजिटिव रहता दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ज्योतिष की जो गणनाएं हैं बहुत प्रत्यक्ष हैं,
दिन प्रतिदिन आपके जीवन में समय हर क्षण में आपके जीवन में क्या होने वाला है, इतनी सूक्ष्म ज्योतिष के अंतर्गत गणनाएं आती हैं कि क्योंकि हर सब समय जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है, उस परिवर्तन को समझने का, उस ग्रह योग को समझने का योग ही ज्योतिष विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और उसके द्वारा आपके जीवन में समय किस प्रकार से चल रहा है, क्या चल रहा है, यदि वो सही अवगत हम पहले से हो जाए तो बहुत सारे जीवन के कष्ट जो हैं उसको हम जीवन से दूर कर सकते हैं। ये तो ज्योतिष की कालगणना का एक सुंदर उदाहरण आपके समक्ष बताते रहते हैं। इसके साथ साथ आपकी मूल जन्म पत्री में ग्रह योग किस प्रकार के हैं, उनमें किस प्रकार के योगा योग पड़े हुए हैं। देखिए ऐसा समझें कि अब गोचर में तो सब पूरे विश्व को हमने 12 भागों में बांटकर उनकी जन्मपत्र ग्रह ज्योतिष के अनुसार समझने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति की अपनी जन्मपत्री में कौन से राजयोग हैं, कौन से दरिद्र योग हैं, कौन से कष्ट के योग हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं, कौन सी योगनी दशाएं चल रही हैं, इसके अलावा ग्रहों का बलाबल कितना है। गोचर में आप ये मान के चलें कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक क्षेत्र के अंदर कोई बीमारी फैली हुई है, अब ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति उसकी ग्रास में आ गए, सभी बीमार हो गए, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ज़्यादा बीमार होंगे, कुछ परसेंटेज थोड़े कम बीमार होंगे, कुछों को हल्की सी छुएगी और कुछ बिल्कुल निरोगी रहेंगे। किस पर डिपेंड करता है? आपका रहन सहन, खान पान, आपकी बॉडी इम्यून कितनी है, क्या है, यानी आपकी मूल जन्मपत्री में किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं, कौन से ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति है, किसके भाग्य में राज्य करना लिखा है, किसके भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है। ऐसे में ग्रह गोचर जो प्रैक्टिकल समय में चल रहे हैं, आज के समय में चल रहे हैं, उनका प्रभाव उसी के हिसाब से आपके जीवन में हमको समझने की आवश्यकता होती है। तो ये एक ज्योतिष की बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। तो आप अपनी मूल जन्मपत्री को देखते हुए अपने ग्रह गोचर को, प्रैक्टिकल जो आजकल जो करंट में चल रहा होता है उसको भी हम समझ सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। ज्योतिष के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक गणित, एक फलित। ये तो गणनाओं के आधार पर हम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, परिवर्तन हो रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, कौन उस पूरे यूनिवर्स के अंदर कब कौन सा सूर्य उदय कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कौन सा ग्रह अस्त हुआ, कौन सा ग्रह वक्री हुआ, उसकी हम गणनाओं को एक गणित के माध्यम से चेक करते हैं। दूसरा है फलित। फलित यानी उन गणनाओं का, उन योगों का जो योगा योग बने, उनका प्रभाव व्यक्ति पर, समाज पर, क्षेत्र पर, प्रकृति पर किस प्रकार का होगा, और उसको हम यदि समझें तो वो बहुत प्रत्यक्ष विज्ञान है। और ये पूरा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। यह ऐसा बिल्कुल नहीं है आप समझ लें कि यदि आपके भाग्य में कुछ कष्ट लिखा है तो वो भोग कर ही जाएगा। नहीं, ऐसा समझें कि संसार में वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी कष्ट में हो रहे हैं। किसी का भाग्य ऐसा है कि वो महल में बैठा हुआ है, उस वर्षा का आनंद ले रहा है, किसी का भाग्य ऐसा है कि उसी वृष्टि में, उसी क्षेत्र में बारिश होकर वो ओले बेचारा झेल रहा है, उसके पास छत तक नहीं है, छाता तक नहीं है। ये सारा का सारा आप समझ लीजिए आपका कर्म, ये कर्म के हिसाब से है कि उसने कर्म किया, दूसरे व्यक्ति ने कर्म करके अपना सुंदर मकान बना लिया, व्यवस्था बना ली। तो ये कर्म के द्वारा आप परिस्थितियों को चेंज कर दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ उल्टा भी हो सकता है, यदि दुष्कर्म करोगे तो सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए इन काल गणनाओं को समझना परम आवश्यक है। ज्योतिष ने इन्हीं समस्त योगा योगों को हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर तरह से व्याख्यित करके अनंत हजारों लाखों ग्रंथों का निर्माण कर उन योगा योग को वहाँ पर समझाने का प्रयास किया। पाराशर, होरा, जैमिन, ये सारे के सारे अनंत जो ग्रंथ हैं, इन सबकी गणनाएँ हैं बिल्कुल अद्भुत है। कैसे उस ग्रंथ में लिखा हुआ एक छोटा सा योग आपकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल फलीभूत होता है, सेम तरीके से जो वहां लिखा गया कि इसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और वही जब देखते हैं सूत्र लगाकर तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठता है। यही चमत्कारिक प्रभाव है, यह हमको अच्छा गहन शोध अध्ययन करने के उपरांत चीजें समझ में आती हैं। तो आप बिल्कुल ज्योतिष को कपोल कल्पित कल्पनाओं में ना समझें। बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर आकर आपके मन में मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप यदि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल, हमें भी कई बार लगता है, कई बार व्यक्ति आते हैं कि जिसमें बहुत हजारों रोग हैं और सब चीज़ें नहीं, तो उसमें कई बार लगता है कि ये युग क्यों नहीं कट रहा है, लेकिन उसका भी एक रीज़न होगा, हो सकता है शोध के बाद वो समझ में आ जाए। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए, अविश्वास जगाना तो बहुत छोटी चीज़ है,
किसी भी चीज़ को अगर आपका विश्वास है बोलो नहीं मैं विश्वास नहीं करता, मेरे करने ना करने से, आपके करने ना करने से वो सिद्धांत नहीं बदलते। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमने इसको बहुत शोध कर कर देखा, और जब हम प्रिडिक्शन करके बताते हैं लोगों को, उस वक्त व्यक्ति को लगता है, मैंने बहुत बार अनुभव किया बाल्यकाल से ज्योतिष के अंदर, बहुत पिताजी के साथ रहते रहते बहुत अध्ययन बाल्यकाल से ही, 5-7 वर्ष की आयु से ही ज्योतिष में इंटरेस्ट जगा दिया, जगाया पिताजी ने, साथ में जोड़कर बैठ के ज्योतिष को पढ़ना सीखना समझना बताना सब सिखाया। और जब हम वो बोल देते थे तो क्या होता था, वो बाद में पता चलता था, लोग उस वक्त तो कई बार रुष्ट होकर चले जाते थे, क्या फालतू डराने की बात कर रहे हो, 5 साल बाद आएगा व्यक्ति, 10 साल बाद आएगा। एक व्यक्ति तो ऐसे थे मेरे पास जन्मपत्री दिखाने के लिए आए और हमने जो बताया कि अरे चले गए रुष्ट होकर, बाद में 1 साल बाद आए बोले हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था, हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था कि महाराज ये मत करो क्या। जब समझाने की कोशिश करूं तो समझते हैं व्यक्ति, तो आप समझें ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है और इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने एक बार नहीं हजारों बार इस प्रकार का अनुभव किया है कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में बिल्कुल प्रत्यक्ष योग है और वो बताया और व्यक्ति नहीं समझ में आती। कई बार जो समझ जाते हैं वो अरे न्यारे करवा लेते हैं, बच जाते हैं, कष्टों से निवृत्ति के योग बना लेते हैं। तो इसलिए विश्वास करें, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र जप, जितने भी शास्त्र में उपाय बताए गए हैं औषध विज्ञान के माध्यम से, वो सब के सब प्रत्यक्ष चमत्कारी काम करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान की देखे हैं कि कुंडली में जेल जाने का योग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था, भगवती दुर्गा जी का प्रयोग जैसा अनुभव है वो किया, आरंभ कराया गया, कैसे कष्ट कट गया, कैसे कष्ट कट गया कि बिल्कुल उस व्यक्ति को सजा होने के पूर्ण योग थे, लेकिन जब उस अनुष्ठान को, पूजा को, दुर्गा जी के उस खास अनुष्ठान को कराया गया तो वो कष्ट निवृत्ति का योग बना। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत इतने सालों में अध्ययन ज्योतिष के बाद आज इस उम्र में हूँ तो 40 साल का तो खूब अच्छे से देखा है मैंने, बहुत अच्छे अच्छे योगों को, लोगों को देखा है कि किस प्रकार से लोगों परिवर्तन का योग बना। 50 साल की आयु हो रही है तो बहुत चीज़ों को शोध कर कर समझने का प्रयास किया। तो आप इन जनरल लोगों की बातों में, सो कॉल्ड लर्नेड लोग जो हैं आज आपके मन में विचित्र विडम्बना है भारतीय संस्कृति के समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप इस बात को हटा दीजिए, आप अपना लाभ लीजिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और हमारा विवेकानंद योगाश्रम इन सब संबंधों में बहुत अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है। इस संस्थान के द्वारा पिछले करीब करीब 60-70 सालों में बहुत सुंदर प्रकार से रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य किया गया है। हमारे आश्रम पर नित्य आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है हर रोज़, और अभी जो समय चल रहा है बड़ा सुंदर चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में पूरा हर रोज़ भगवान शंकर का दिव्य रुद्राभिषेक कराया जाता है, दिव्य रुद्राभिषेक, और हर सोमवार, 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं और 5वें सोमवार पर एक सामूहिक तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल शिव विग्रह जैसे सौराष्ट्र में है वो विद्यमान है, और उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नित्य प्रति अभिषेक चलेगा, जो मनोकामनाओं की सिद्धि करने में अद्भुत है, कष्टों को दूर करने में अद्भुत चमत्कारिक रूप उपस्थित करता है। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, देखिए इस वक्त समस्त संसार की जो विशेष तौर पर कार्य है, भार है, कार्यभार वो भगवान शंभू के हाथ में, क्योंकि देवशयनी एकादशी हो चुकी है, भगवान शंभू समस्त कार्य को सुंदर तरीके से करते हैं और भोलेनाथ तो बड़े सुंदर तरीके से इजीली प्रसन्न हो जाते हैं। सब समस्त सबके आराध्य हैं, जो परित्यक्त भी हैं वो भी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो आप आनंद भाव से हमारे साथ जुड़कर, आश्रम से जुड़कर बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है 8 से 10 बजे तक, मंगलवार में सुंदर कांड का कार्यक्रम चलता है, और इस सावन में तो विशेष तौर पर 5 सोमवार का सुंदर योग जो बना है, इसमें विभिन्न कार्यक्रम आश्रम में रहेंगे। आप अपने नाम से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए, उन समस्त जो अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं उनका लाभ लेकर बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिए, सुंदर रहेगा, आनंद रहेगा। बाकी किसी भी समस्या, पर्सनल समस्या के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध सकते हैं, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। विवेकानंद योग आश्रम आपके साथ कार्य कर रहा है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे इजाज़त देता हूँ, धन्यवाद।